राजस्थान में जहां कुछ समय बाद ही पौधे सूखकर दम तोड़ देते हो, वहीं इस लहलहाती चारागाह की जमीन पर 95% पौधे जिंदा हैं। मरुधरा पर हुए इस चमत्कार को देखने के लिए देश की कई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर खेड़ा गांव पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पंजाब और आंध्र प्रदेश सरकार के सीनियर आईएएस नरेगा आयुक्त यहां आकर चारागाह विकसित करने की जानकारी ले चुके हैं और अपने राज्य में इस मॉडल को लागू करने की सिफारिश कर चुके हैं। ये पूरी 2 साल पहले एक बंजर चारागाह जमीन थी जिस पर पूरे अंग्रेजी विलायती बम्बूल थे। हमने सबसे पहले गांव वालों को बिठाकर एक समिति बनाकर लोगों को जल ग्रहण का और पौधों का महत्व बताया। लोगों को नाटक नुक्कड़ के माध्यम से चारागाह में वृक्षारोपण करने के लिए समझाया, लोग एग्री हुए। इसके बाद में महात्मा गांधी नरेगा से हमने इस 500 बीघा जमीन के चारों तरफ फोर फेंसिंग करवाकर अंदर से कांटेदार जो भी अंग्रेजी बम्बूल थे उनको हटवाया। उसके बाद में 2 वर्ष में यह हमने लगभग 50,000 पौधे लगाए। इस चारागाह में सभी प्रजाति के पौधों पर QR कोड लगा है जिसे स्कैन करते ही पूरी जानकारी आ जाती है। उस पौधे का नाम, किस्म, वैज्ञानिक नाम, उपयोग, उम्र आदि सभी जानकारियां मिल जाती हैं। स्कूलों के बच्चे यहां वनस्पति, जल संरक्षण, वन्य जीव की जानकारी के लिए आते हैं। इसके अलावा रक्षा सूत्र बांध कर इन पौधों की रक्षा का संकल्प लिया जाता है। इस मरुभूमि पर भीलवाड़ा जिले के आसिंद पंचायत समिति स्थित रूपरा ग्राम पंचायत के मारू को खेड़ा रोल मॉडल चरागाह में यहाँ पर पौधारोपण का कार्य किया। ये वास्तव में एक सराहनीय पहल है। इस बंजर भूमि में जो पौधारोपण का कार्य किया है, उनका लालन पालन किया है, उनको बड़े होने की जो यहाँ पर ड्रिप सिंचाई की जो पद्धति यहाँ पर लागू की है। पौधा रोज सोबड़ा था और मैं पूरा लेबर ने सामने फसा फसा पौधा सोबा। और ये बरगा का मौसम है जो सामने आजकल तो 7 बजे था वहाँ और 4 बजे जावा। पौधा लगाता हूँ यार, नरेश पाता और पाता पहले वो मर्ची में पाता जी यार ना, सब मना का काम करता हूँ। साल 2017 में रूपपुरा ग्राम पंचायत के मारुओं का खेड़ा चारागाह को ग्रामीणों ने अतिक्रमण मुक्त बनाने का प्रण लिया, जिसके बाद प्रधान तत्कालीन विकास अधिकारी के निर्देशन में चारों तरफ बारबेड वायर फेंसिंग करके पौधे लगाने की शुरुआत की गई। फिर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत इस चारागाह की भूमि पर एनीकट चेक डैम बनाए गए ताकि जंगल का पानी जंगल में ही रोका जा सके। पिछले 2 साल में मनरेगा के तहत 100 श्रमिक पौधे लगाने में जुटे हुए हैं और अब तक 300 प्रजाति के 50,000 पौधे लगा चुके हैं। पानी बचाने के लिए हर पौधे को ड्रिप इरिगेशन से जोड़ा गया है, वहीं बिजली बचाने के लिए सोलर पंप लगाए गए हैं। 2017 में हमने गांव वालों को बैठक करके और जन सहयोग से उनको IEC से गतिविधि से उनको इस चारागाह के प्रति लगाव पैदा करके हमने वहां पे अतिक्रमण जो कर रखा उसको हटाया। हमने फिर उसमें जल ग्रहण से महात्मा गांधी नरेगा, EFC, SFC और MJ से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन से कन्वर्जेंस करके और ये हमने काम किया। आसिंद पंचायत समिति की इस एक अनूठी पहल से चारागाह भूमि पर अतिक्रमण रोकने के साथ उन्हें बचाने की कवायद शुरू हुई है। अब पंचायत राज विभाग के साथ साथ नाबार्ड की ओर से सभी ग्राम पंचायतों में 5 से 10 हेक्टेयर चारागाह विकसित करनी होगी। दिलशाद खान, जी मीडिया, भीलवाड़ा।